हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा DIY। मैं हूँ प्रज्ञा। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि प्लांट्स की रिपोर्टिंग कैसे करें। सो ये कुछ प्लांट्स मैं नर्सरी से लेके आई थी। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए। तो यहाँ पर मैंने 40% गार्डन सॉइल एंड 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोकोपीट ब्रिक को कैसे तैयार किया जाए, तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे ये इवन हो जाए। उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ जिससे कि पूरा इवन हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे अपकमिंग की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा हाउ टू ऑर्गेनाइज योर होम, हाउ टू डेकोर योर होम प्लस DIY मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड गार्डनिंग टिप्स। सो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह सैंड भी ले सकते हैं। तो अब मैं पहले प्लांट की रिपोर्ट करना आपको बता रही हूँ कैसे होगा। तो पहला प्लांट है पेटोनिया। तो ये एक आउटडोर प्लांट है, तो इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं। तो मैंने जो कलर लिया है वो पर्पल ब्लू काइंड ऑफ कलर है। सो मैं इसे रिपोर्ट करने के लिए हैंगिंग पॉट ले रही हूँ। हम इसे पहले इसे कैंची से इसके जो प्लास्टिक बैग है इसे काट लेंगे। काट लेने के बाद इसके आसपास जो भी जितनी मिट्टी लग रही है थोड़ी सबको हटा देंगे। इससे क्या होता है, इसे हम इसमें प्लांट्स नहीं लगाते हैं क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है और इससे पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके पौधे कुछ टाइम चल जाए पर थोड़े दिन बाद ही पौधे मर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हैंगिंग बास्केट ले रही हूँ। इसमें मैंने छेद पहले कर रखा है, आप उसमें एक या दो छेद कर लें जिससे कि जड़ों को हवा मिल सके। अब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ, आप देखते जाइए कि मैं कैसे कर रही हूँ। जो सेकंड प्लांट लिया है वो मैंने लिया है बिगोनिया। तो इसमें वाइट कलर भी आता है बट जो मैंने लिया है इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं। तो ये आउटडोर प्लांट है और इसे आप पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। वैसे जल्दी जल्दी पानी ना डालें वरना ये पौधा ख़राब हो सकता है। जो ये थर्ड प्लांट लिया है मैंने वो है रोज़ प्लांट। इसमें एक कली भी आ रही है, आप देख सकते हैं। और जब भी ये फूल खिलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी।
तो जो मैंने लास्ट एंड फोर्थ जो प्लांट लिया है वो है कोलियस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत पत्तियाँ आ रही हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसे अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप इसे शेड में रखें, शेड में चलने वाला पौधा है। और इसे पानी वीक में 2 या 3 डेज में ही डालें, ज़्यादा पानी ना डालें वरना इसकी जड़ गलने लगे ख़राब हो जाएगी। तो आप इसमें जब भी पानी डालें तो 2-3 डेज में ही डालें वीक में। सारे पौधे लग जाने के बाद मैंने इसमें हल्का हल्का पानी डाल लिया था। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।